हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ रायपुर फ्लावर शो में, और इस शो में ये पर्टिकुलर जो शॉप है इसको कैप्चर करने के लिए टेरेरियम गार्डन, नाम से आपको पता चल रहा है इस शॉप में क्या मिलने वाले हैं, क्या दिखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेरेरियम गार्डन एक्सपर्ट बीजल पिथालिया जी से। बीजल जी टेरेरियम के अलावा जो कोकेडमा प्लांट्स है वो भी तैयार करते हैं, फेरी गार्डन, मिनिएचर गार्डन भी तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इनके द्वारा तैयार जो आर्ट पीसेस है, इतनी खूबसूरत प्यारे प्यारे आर्ट पीसेस को देखेंगे और बीजल जी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आई हूँ फ्लावर शो जो कि रायपुर में हो रहा है, और ये एक शॉप बीजल जी की है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बीजल जी से मिलवाती हूँ। हेलो, ये है बीजल जी, और जो हमें टेरेरियम के बारे में बताएंगे। हाँ। ये पूरा आप शॉप देख रहे हैं, सिर्फ टेरेरियम ही टेरेरियम आपको दिखेगा यहाँ पर, वो चाहे ओपन टेरेरियम हो या क्लोज टेरेरियम हो। और इसके बारे में सारा जो जानकारी है हमें आज बीजल जी से मिलेंगे, तो उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बीजल जी को। तो बीजल जी, आपने ये टेरेरियम जो है ये सारा कब से ये आप कर रहे हैं? जी, मैं ना 8 सालों से ये सिर्फ चीज कर रही हूँ। गार्डनिंग का तो शौक मुझे पहले से ही है, बहुत मतलब बहुत बचपन से ही था। और लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद थोड़ा सा मैं उसके ऊपर छूट गई थी, लेकिन अब फ्री हो गई हूँ तो मुझे अपना शौक फिर से जागा। तो 8 सालों से मैं टेररिम कर रही हूँ। ओके ओके, है ना। और प्रोफेशनली मैं अब कर रही हूँ। तो बीजल जी, इसमें आप एक ट्रेनर भी है? ट्रेनर भी हूँ। ओके, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में सिखाती हूँ टेररिम कैसे बनाना है। ओके, इसमें टेररिम में भी क्लोज टेररिम, ओपन टेररिम, कोकोडामा, टेरा प्लांटर, मिनिएचर्स कैसे तैयार करना, फेरी गार्डन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं। और टेरेरियम में भी हमको बहुत कम जो अपने घर के अंदर जो प्लांट्स हैं, कई बार हम उसकी कीमत नहीं जानते हैं, हम उसको उसको नहीं उतना करते हैं, लेकिन उसी को ही हमने, जैसे ये स्नेक प्लांट है, हर किसी के घर में ये स्नेक प्लांट मिल जाएगा, तो हमने उसको एक किसी को गिफ्ट करने के लिए और इंटीरियर में डालने के लिए इसको एक शेप बनाया है, एक लुकआउट किया है। इसमें अपने पत्थर डाले हैं, कलरफुल पत्थर डालिए, इसमें रेती है जो हम मेरी खुद की बनाई हुई कुछ पर्सनल खाद है उसको करके हमने ये प्लांट लगाया है। सॉरी, फिर उसमें अपन ने कुछ भी मिनिएचर, अपन आपके पास घर में भी बच्चों के कुछ मिनिएचर्स होंगे, वो आप लगा के बच्चों के रूम में आप खुद भी रख सकते हैं, किसी को गिफ्ट करना है तो तुरंत आप जाके उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये क्लोज ओपन टेरेरियम है, और क्लोज टेरेरियम के लिए जो अपने प्लांट होते हैं, इसमें स्नेक स्पाइडर प्लांट है, फर्न प्लांट है प्लांट, और फिटूनिया प्लांट हमने इसमें चूज किया है। इसको आप कोई सी भी, आपके पास कोई सी भी बॉटल होगी या कुछ ऐसा जार होगा उसके अंदर आप इसको लगाइए, और इसको एकदम छांव में आप रखिएगा, धूप बिल्कुल नहीं चाहिए इसको। धूप रहने से क्या, कांच गर्म हो जाता है और प्लांट खराब हो जाता है, तो बिल्कुल भी आप इसको धूप मत दीजिए, जो घर की जो लाइट है उसी में ये सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत बढ़िया, तो हमें टेरेरियम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और अभी छोटा सा एक टेरेरियम जो आप देख रहे हैं, ये बीजल जी हमें बोले कि ये बना के भी दिखाएंगे, कहीं उसको भी देख लेते हैं। ये होता है ना, इसमें कलरफुल रेती डालेंगे अपन थोड़ी सी, है ना। इसमें मैं एक और कलर डाल रही हूँ, दो कलर हो गए इसमें, फिर अब इसमें मिट्टी जो मैंने घर पे खाद बनाई हुई है मेरी खुद की। ओके, इसको थोड़ा सा गीला करके हम इसमें डालेंगे। इसको फिर वापस से पोंछना, क्लीन करते रहिए, और फिर इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे कि ये हिले नहीं। इसको भी फिर से साफ करना पड़ेगा। ये लगता है कि छोटे से मैं बना दिया, पर इसमें मेहनत है। एग्जैक्टली।
क्लीन करते रहिए, क्लीन करते रहना है, पानी भी आई गेस स्प्रे से ही देना होगा राइट। हाँ पर बार बार पानी नहीं देने का है, इसमें मैंने मिट्टी को गीला करके ही डाला है, तो इसमें भी 7 to 10 days मेरे ख्याल से चल जाए। मतलब बंद करके रखेंगे तो फिर पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसमें। इट वर्क्स एज अ क्लोज टेरेरियम हो गई ना, ये खुद में ही पॉट है, पॉट है यार, ये पॉट रखना था इसमें रख सकते हैं। इसके अंदर हम है ना छेद करेंगे पहले तो, ये जो छेद किया था उसी के अंदर ये चला जाएगा और फिर थोड़ा सा उस दबा देने दबा देंगे। वेरी नाइस। और ये बंद कर दी, बंद कर दी। देख सकते क्यूट सा एक बन गया है, इसको आप एज अ लॉकेट और कार वगैरह में भी, कार में भी लटका सकते हैं। वेरी नाइस। इसमें छोटे से पत्थर हमने नहीं डाला, डेकोरेशन के लिए कुछ आप डाल सकते हैं। ये देखिए स्टोन्स मैम, ये सारे कोकोडामा है और नेचुरल दिखते हैं। वेरी नाइस। और ये सारे जो अपने घर में प्लांट्स करते हैं वही प्लांट्स। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स रखा हुआ है, सिंगोनियम है और ये पाम जो टेबल पाम होता है वो भी रखा हुआ है। और इसका आप डिजाइन देख सकते हैं, एक ब्रिज बनाया हुआ है और सामने डक भी है। कितना सुंदर अरेंजमेंट। ये क्लोज टेरेरियम है, क्लोज टेरेरियम में क्लोज है, आपको पानी भी बहुत लॉन्ग टाइम तक देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बीजल जी से और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी। हाँ। कि जैसे कि ये ओपन टेरेरियम है राइट, सो ये नॉर्मल बहुत हद तक जो हम गमले में प्लांट लगाते हैं बहुत हद तक वही है। हाँ। सिर्फ जो हमारी मिट्टी है प्रिपरेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, सो दैट वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे राइट। और जो भी पानी देना है तो इसको किस तरीके से हम पानी देंगे, जैसे जैसे कई लोग है ना मग्गे से पानी डाल देते हैं, वो नहीं करना है, मग्गे से पानी बिल्कुल नहीं देना है। या तो आप स्प्रे बॉटल से आप पानी दीजिए उसको, फाइन है ना। स्प्रे बॉटल से अगर देंगे तो इसमें क्या पानी की बूंदे पूरी आ जाती है, स्प्रे बॉटल करते तो पानी पूरा तर जाता है, और ये जो है वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और उसको फिर क्लीन कर लीजिए है ना, और या तो फिर चम्मच से पानी दे दीजिए। अच्छा चम्मच में, जैसे अगर प्लांट का अपना क्या रिक्वायरमेंट है, सकुलेंट है तो आप 5-6 चम्मच मिनिमम आप दे सकते हो, आपकी चम्मच की भी साइज कौन सी है वो भी देख लीजिएगा है ना, और उसको 5-6 चम्मच उसको यहाँ पे दे दीजिए। और बाद में क्या कि अगर जब भी आप पानी दे रहे हो पहले ये चेक कर लो कि इसमें टूथपिक से, कोई से भी टूथपिक से आप पहले चेक करो कि उसमें पानी है कि नहीं है। मतलब रुक रुक के देना, एक साथ बहुत सारे नहीं देना है राइट, क्योंकि इसके अंदर अपना हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगी मिट्टी, अपन चेक नहीं कर पाएंगे है ना। तो इसमें ना इसका आप देखिए, इसका इसमें पानी है अभी, यस ठीक है। तो आप इसको 1 week तक भी पानी नहीं दोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सकुलेंट्स को भी हम 1 week, तो ये हो सकता है कि 2 week 10 दिन तक में, मतलब कई बार में 10-10 दिन तक, 20-20 दिन तक भी पानी ना। अभी ठंडी का सीजन तो और ही नहीं देना, और इसके अंदर है ना ऐसा रहता है कि पानी ये होल्ड करके रखता है। हाँ। तो वो हमने एक लेयरिंग बनाई होती है ड्रेनेज के लिए, हाँ। तो एक्स्ट्रा भी होता है तो वो ड्रेन हो जाता है पानी, लेकिन वो फिर उसके उस हिसाब से आप उनको और लॉन्ग टाइम तक, आप 1 महीने तक भी पानी नहीं दोगे ना तो भी चलेगा। जैसे ये मैंने पोछ लिया है, अब इसमें आप देखेंगे ना तो ये पूरा सूखा है, इसमें पानी है ही नहीं, पानी ही नहीं है इसमें, एकदम नीचे में इतना सा पानी है। तो भी अभी आप 10 दिन के बाद भी आप पानी दोगे तो भी वो चल जाएगा। कई बार हम बोलते हैं कि हफ्ते में पानी दो, लेकिन हफ्ते में पानी कितना देना है वो आपका सराउंडिंग, आपका रूम टेम्परेचर क्या बोलता है उस हिसाब से उसमें चेक करके पानी दीजिए। नहीं तो कई बार हम दे देते हैं, लोग खराब हो गया लेकिन वो आप
कि पानी का ज्यादा पानी देने से भी मेन वही है, पानी से ही खराब हो जाए। नहीं देंगे तो मरेगा नहीं, लेकिन देंगे ज्यादा तो अपन बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा केयर करते हैं तो बिगड़ जाते हैं, राइट। तो इसको बिगाड़ दीजिए, इसको कैरी मत करिए तो वो जिंदा रहेंगे। टेरेरियम की भी यही, और ये क्लोज है, हाँ क्लोज है। क्लोज टेरेरियम में तो आपको खाली बंद करके आप रख दीजिए, इसी का जो मॉइस्चर है यही मॉइस्चर का पानी इसके अंदर जाता है तो वो अपने आप उसको पानी मिलता रहता है, तो आपको अलग से पानी बिल्कुल नहीं देना है। और कभी आपने इसको 2-3 दिन के बाद अगर आपको ज्यादा लगता है कि मॉइस्चर इसमें ज्यादा हो गया है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए इसे खोल दे या तो हटा दीजिए आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए, फिर वापिस से बंद करके इसको जहां था वहां रख दीजिए। पर धूप बिल्कुल मत दीजिए, धूप में बिल्कुल मत दीजिए। कांच गर्म होगा तो प्लांट खराब हो जाएगा क्योंकि उसकी हीट से उसके रूट्स खराब हो जाते हैं। इनडायरेक्ट लाइट देना है बस, इनडायरेक्ट या मतलब दीजिए ही मत, इसमें अंदर अंदर ही रखिए, घर के अंदर, घर के अंदर जो घर की जो लाइट है उसी से ही उसको मिल जाता है। इसमें फ्लावर आएगा, ये देखिए छोटे छोटे ऐसे बोतल में, हाँ मिनिमम मिनिमम खोल दो इसमें, दिस इज आल्सो अ क्लोज टेरेरियम, हाँ दिखाती हूँ। खोल खोल के देखते उल्टा कर देते, अरे ऐसे करके बीच बीच में पोंछना है। हाँ ये देखो, यस फिटूनिया प्लांट लगाया हुआ है। इसको देखो कितना अच्छा लैडर बनाया हुआ है, वेरी नाइस। ये जो कॉस्ट है आपको हो सकता है लगेगा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये जो कॉस्ट है ये सारे अरेंजमेंट्स का ही है, क्योंकि आप बहुत आसानी से ये अरेंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा एक जगह है जहां आप डायरेक्ट हाथ को नहीं डाल के कर सकते हैं। तो आपको जो औजार होती है, इस तरह की जो औजारें होती है, इसकी हेल्प से बहुत ही सावधानी से करना होता है। तो ये सारे प्राइस है, इसी का ही लेते हैं। तो और नीचे डिजाइन बनाई हुई है, अच्छा नीचे 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 में इसको, ओके नीचे, ये देखिए नीचे कितना सुंदर डिजाइन। तो जब आप इसको थोड़ा हाइट में कहीं सजाएंगे तो देखने में ये बेहद खूबसूरत दिखेगी, ये देखिए वेरी नाइस। तो चलिए फ्रेंड्स, बिजल जी के द्वारा तैयार कुछ और मिनिएचर गार्डन टेरेरियम्स कोकेडामा प्लांट्स देख लेते हैं।
दोस्तों देखा बहुत आसान तरीके से उन्होंने दिखाया किस तरह हम लोग ऐसे घर में भी बना सकते, लेकिन हाँ ये जो मिश्रण है उनका बना हुआ जो सॉइल है वो थोड़ा सीक्रेट है। तो चलिए विजल जी को थैंक यू बोल लेते हैं। थैंक यू विजल जी, थैंक यू, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी और हम सीखेंगे किस तरह हम। जरूर जरूर आप आइए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9827147811। ओके, तो विजल जी का जो नंबर है वो मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग अगर रायपुर या रायपुर के आसपास रहते हैं तो जरूर इनसे मिलिए और आप इनसे ले भी सकते, खरीद सकते टेरेरियम, और आप चाहे तो इनसे सीख भी सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।